ओम नीलांबरो नीलव पोकिरीटी कराल वक्त्रंकर बाल सुले चतुर्भुजश्चर्मधरश्च राहु सिंहासनस्तो वरदोस्तु मह्यम धूम्रोर्द्विबाहुर्वरदो गदावृत गोध्रासनस्थो विकृताननश्च किरीटकेऊरविभूषणांग सदास्तुमेकेतु गण प्रशांत ओम प्रणमामि सदा राहु सुरपकार किरीटिन सिंहिकेयं करालास्मं लोकानाम भयप्रदं केतुम कराल वदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतु ध्वजकारं ग्रहेश्वरं। नमस्कार। राहु एवं केतु ग्रह चलन संपर्कित यही स्वतंत्र कार्यक्रम को आपमानंकु स्वागत। दर्शक बंधु आसंता कन्या तीन दिन 2020 मसीहा सेप्टेम्बर मास 18 तारीख शुक्रवार दिन राति 9:05 समय रे राहु मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि को एवं केतु ज्येष्ठा नक्षत्र इच्छा राशि को संचार करिवे। राहु और केतु एमाने हेउछंती शैडो प्लानेट अर्थात छाया अधिपति ग्रह। आउ ज्योतिष शास्त्र अनुसारे राहु और केतु को नैसर्गिक अशुभ ग्रह बोली बा पापी ग्रह बोली आख्या दिया जाइछ। एही दुई ग्रह मानंकर कोनोसी अस्तित्व न थाए एमाने जेऊं ग्रह सह रुहंती सही अनुसारे फल देइथाने। जदि एही ग्रह शुभ स्थान रे जातक रे थांती तेबे अप्रत्याशित भावरे लाभ मिलिथाए एवं जदि भलो स्थिति रे न थांती तेबे एहारो प्रतिकूल प्रभाव तीव्रतर होइथाए। राहुंको कुप्रभाव जोगु व्यक्ति विशेषंकर विवेक वृद्धि ह्रास हेबा सह ओलोटा सीधा निर्णय नैथानि। एहा सह सही व्यक्ति विशेष माने अनैतिक कार्यकलाप अधर्म कार्य रे लिप्त रहिबा सह निष्ठाहीन कटु वाचन कहिबा मिछ कहिबा माया करिबा छळना करिबा प्रकृतिर होइथानि। ता सहित कोन हुए ना आकस्मिक दुर्घटना आकस्मिक भय कुविचार अल्सर रोग हाथ गोड़ दरज हेबा आंठू गंठी दरज हेबा सह विभिन्न प्रकार शारीरिक समस्या मध्य अनुभूत होइथाय। जदि राहु ग्रह शुभ स्थिति रे थांती तबे व्यक्ति जनक श्रेष्ठ साहित्यिक दार्शनिक वैज्ञानिक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ता सह रहस्यमय विद्या रे पारंगम होइथांती। अपर पक्ष रे केतु होउछंती जणे मोक्ष ग्रह। एही ग्रहर कुप्रभाव फल रे गृहत्यागी हेबा सह चाकिरी व्यवसाय क्षेत्र रे असुविधा सृष्टि होइथाय खाद्य पेय रे कष्ट अनुभूत होइथाय। एहा सह व्यक्ति विशेष अनिद्रा रोग परिस्रा जनित रोग फुसफुस सम्बन्धीय रोग पेट जनित समस्या एवं संतान उत्पत्ति रे समस्या ता सह घरोई कलह बा पारिवारिक कलह इत्यादि समस्या देई गति करिथाय। केतु ग्रह जदि शुभ स्थिति रे रहिले तेबे व्यक्ति जनक मान सम्मान प्रतिष्ठा पद पदवी रे अग्राधिकार बा पद पदवी रे प्रमोशन जोड कुवंती ता सह संतान सुख प्राप्ति हेबा सहित सुख निद्रा मध्य मिलिथाय।
तेबे आसंतु जानिबा जे आसंता 18 तारीख राती 9 घंटा 5 मिनिट समय रे राहु जाउछंती वृष राशि को एवं केतु चलुछंती इच्छा राशि ता फलर कोन हबो ना राहु वृष राशि को चलिबा द्वारा एवं केतु इच्छा राशि को चलिबा द्वारा केउ केउ राशि विशेष व्यक्ति मानंकर केउ केउ राशि रो व्यक्ति विशेष मानंकर की फल प्रदान करिवे आसंतु से विषय रे विस्तृत भाव रे आज आमे आलोचना करिवा। राहु एवं केतु ये दुईटी जाक ग्रह होउछंती एमाने तृतीय रे षष्ठ रे दशम रे एवं एकादश रे शुभ अन्यत्र अशुभ ताहले से हिसाब रे जदि आमे देखिबा तेबे कर्कट राशि सिंह राशि धनु राशि ओ मीन राशि एही राशि रो व्यक्ति विशेष मानंकर राहु गोचरे शुभ फल प्रदान करिवे कारण कर्कट राशि रो एकादश राहु सिंह राशि रो दशम राहु धनु राशि रो षष्ठ राहु एवं मीन राशि रो तृतीय राहु हेबे तेबे मोटामोटी भाव रे कहिबाकु गले कर्कट राशि सिंह राशि धनु राशि ओ मीन राशि रो व्यक्ति विशेष मानंकर राहु गोचरे शुभ फल प्रदान करिवे ता सह चंद्र चलन समय को जदि आमे देखिबा तेबे मेष राशि वृष राशि कन्या राशि इच्छा राशि ओ मकर राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर चंद्र चलन समय रे शुभ हेतु शुभाशुभ मिश्रित फल प्रदान करिवे आउ रहिले केउ राशि ना मिथुन राशि तुला राशि ओ कुंभ राशि रो राहु अशुभ फल प्रदान करिवे ठीक सहीपरि केतु मिथुन राशि कन्या राशि मकर राशि ओ कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानंकर शुभ फल प्रदान करिवे तुला राशि रो अशुभ फल प्रदान करिवे आउ जेउ सब राशि रहिले जथा मेष वृष कर्कट सिंह बिच्छा धनु ओ मीन राशि मानंकर शुभाशुभ मिश्रित फल प्रदान करिवे एबे जानिबा जे राहु एवं केतु एमाने केमिति चलन आज्ञा ग्रह हला नौटी रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु एवं केतु एमानंक भितरु आमर जो सातटी ग्रह रहिले रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि एमाने कोन करंती ना एमाने आगो को चलन किंतु राहु केतु ठीक तार विपरीत कौन विपरीत ना एमाने जेते संचार होंती एमाने पछकु संचार होंती अन्य ग्रह मानंकर चलिबा जदि आमे देखिबे आपण घंटा देखिथिबे घंटा कौन हुए ना घंटा जो दिगरे बुलु थाए आमर रविंक ठारु आरंभ करी शनिंक पर्यंत ग्रह माने कौन करंती ना आंटी क्लॉकवाइज माने घंटार विपरीत दिगरे चलन होइथांती बा चलिथांती बा घुरिथांती किंतु राहु केतु कौन करंती ना घंटा अनुसार घंटा मिनिट घंटा सेकेंड घंटा जेमती बुले ठीक सेहीपरि राहु केतु चलन होइथांती ता सह अन्य जो ग्रह माने रहिले सेमानंकर गोचर फल बा सेमानंकर चलिबा प्रायत एक समय रे कि एक समय रे होइ नथाय जो दिन रवि चलिले सेदिन चंद्र न चलि पारंती जो दिन चंद्र चलिले सेदिन शुक्र न चलि पारंती किंतु राहु एवं केतु एमाने कौन करंती ना गोटिए दिन रे एवं गोटिए समय रे चलि थाले ताले राहु एवं केतु एमाने किए एमानंकर परिचय कौन एवं एमाने सांग होइकि काहेकि गोटिए दिन रे एवं गोटिए समय रे चलि थाले आसंतु से विषय रे टिके जानिबा आमे पळे जिबा पुराण पौराणिक कथा राहु एवं केतु ए दुई जण होतंती गोटिए ग्रह मुंडटी होची राहु एवं मुंड ठारु पाद पर्यंत समग्र शरीर होची केतु राहु केतु आपण माने समस्त सुनिथिबे जे प्रहल्लाद चरित्र हिरण्यकश्यप ना अवश्य आपण भूली जाइथिबे प्रहलाद कथा जदि आपण मन पकेइ देबी प्रहलाद विषय आपण समस्त जानिथिबे
प्रहलाद पिता हेले किए ना हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप विष्णु सहित शत्रुता थिला, किंतु प्रहलाद से विष्णु भक्त थिले। बारंबार हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बारण करुथिले कि तू विष्णु को आराधना करना बा नारायण को सेवा करना बा नारायण को भक्ति मुक्ति बा कोनसे प्रकार तू नारायण को आराधना कर। प्रहलाद आज्ञा बड़ विष्णु भक्त थिले, से प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोली उच्चारण करुथिले। एवं कायो मनोवाक्य रे प्रहलाद कौन करथिले ना तांकर समग्र शरीर को भगवान विष्णु को अर्पण करथिले। ये कथार हिरण्यकश्यप रागिगले एवं बारंबार प्रहलाद को मारिबापाई बहुबार उद्यम करिछन्ति, केउथरे आज्ञा सफल होइनांती। सेठु हिरण्यकश्यप पुणि कौन आज्ञा ना सीए गोटे बर पाइले, से जन असुर प्रकृतिर बा राक्षस प्रकृतिर, से तपस्या करी बर पाइले जे जलरे मरिबेनि, स्थलरे मरिबेनि, स्वर्गरे मरिबेनि, मर्त्यरे मरिबेनि कि पातालरे मरिबेनि। बड़ आश्चर्य कथा सेठु एमती दिने घटना कौन है ना आमर ये ना प्रहलाद एमती दिने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करुचंती। हिरण्यकश्यप आसी पहुंची गले प्रहलाद को कहिले, अरे तू एभली कथा कौन आलोचना करुचु, जो विष्णु को तू डाकुचु डाकिन तो से विष्णु को, से विष्णु कौटी अच्छे ना आज्ञा ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदय नच मद्भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे पिता भगवान विष्णु कौटी नहांती, भगवान विष्णु अत्र तत्र सर्वत्र सबुठी अच्छा, तेणु एवं डाकिले भी भगवान विष्णु आसिक पहुंची जी ना। ताले तू जदि कहू विष्णु सबुआड़े अच्छी सबुआड़े अच्छा, ताले खुंटे कौन विष्णु अच्छा ना? हाँ पिता ये खुंटे निश्चिंत विष्णु अच्छा, ये स्तंभ में निश्चिंत विष्णु अच्छा। अत्यधिक क्रोध से जर्जरित हो हिरण्यकश्यप कौन कले ना से खुंट को गदा प्रहार करते, कौन है ना भगवान विष्णु अवतार नहीं नरहरी रूप से, नरहरी रूप से हरि अर्थ आज्ञा अमरकोश प्रमाण कला हरि अर्थ हूँ सिंह, नरहरी नरसिंह रूप से मानते मुंडटी मस्तिष्क सिंहर एवं शरीर टी मनीषर, तेणु नरहरी रूप से केमती हिरण्यकश्यप को मारी ना से स्वर्ग मर्त्य पाताल मरबनि निज जंघ पकईकी विदारित करते मारी ना संध्या दिन में मरबन कि राति में मरबन, दिन जाऊँगी राति आसूँ संध्या समय हिरण्यकश्यप को मरी जुगे जुगे धर्म स्थापन भगवान विष्णु करते। तेणु राहु किए ना प्रहलाद गोटे भौणी थाए, प्रहलाद भौणी ना हूँ सिंघिका, तेणु सिंघिका कौन करते विप्रचिति बहुत करते सिंघिका एवं विप्रचिति औरसरु राहु सृष्टि। राहु भी पिला बेल बहुत असुर प्रकृति थिले दुर्दांत थिले, एमती आज्ञा आउ टिके आमे आगु को पळे जिबा समुद्र मंथन कथा। समुद्र मंथन हला, समुद्र मंथन रे विभिन्न प्रकार द्रव्य मिलला, ता भीतर गोटे द्रव्य मिलला अमृत। अमृत को देवता माने कौन कले ना निजे लुचेक रखिले से माने निजे खाइबे। अमृतर विशेषत्व हला कौन ना जी अमृत खाइब सी आ मृत्यु ता पाखु आसिबनि, से मरिब नाही। देवता माने जेउठी अमृत को लुचेक रखिथिले ये राहु आज्ञा सेठी देखि दैछि, राहु सेठु कौन करछि ना जाइकि से अमृत को खाइ दैछि। राहु जेतेले अमृत खाउछि सूर्य एवं चंद्र सेठी थिले ताकु देखि खूब जोर चित्कार कले जे राहु अमृत खाइदला, राहु अमृत खाइदला। भगवान विष्णु तत्क्षणात सुदर्शन चक्र को आदेश देले जे जा राहु केतु को, केतु नो केतु से आज्ञा है नथिला राहु को तू मारी दे। सुदर्शन चक्र आज्ञा गला कौन कला ना गंडीर मुंड को अलग करदेला, किंतु आज्ञा जेहेतु से अमृत खाई तेणु जेहेतु से राहु अमृत खाई तेणु से मृत्युवरण कले ना। जमी आप गोटे जोक को जिते थर काटे सेतटा रूप होते थर से बची पार ये सेमती है घटना। राहुर मुंड बा मस्तक छेदन पर मुंडटी भी बंचला तार गंडीटी भी बंचला। मुंडटी जो जगार जा पड़ा जो जगार पड़ा कालक्रमे कौन है ना मुंडटी की समस्ते चिन्हिले राहु राहु बोली कहले, कि गंडीटा को आज्ञा चिन्ह पारे गंडीटार जीवन अच्छी किए तु कहू कहू कालक्रमे सी होगा केतु।
तेणु गंडी हेला केतु मस्तिष्क बा मुंड हेला राहु तेणु एबे जानिले जेतु राहु केतु गोटिए ग्रह बा गोटिए लोक से अमृत खाइकी अमर हे गले अरु कालक्रमे शनिश्चर कोन कले शनिदेव तांको संगे मिसई देले तांको सहित मित्र भाव कले सातटी ग्रह थिले ये दुई जण मिसी गले नवग्रह रूप से राहु केतु एबे पूजा पाउछन्ति तेणु सही कौन हुए ना राहु एवं केतु से गोटे दिन में गोटे समय चली जानिले राहु एवं केतु जून सेप्टेम्बर मास 18 तारीख शुक्रवार दिन राहु केतु चलुचन ताहले आमे एबे जानिबा जे राहु जो व्यक्ति विशेष मानकर अशुभ फल प्रदान करिवे सेमाने क्यों प्रकार उपाय अवलंबन करिवे बा सेमानंक पाई रिमेडी बा प्रतिकार कौन राहुंकर प्रिय रंग होची कोला रंग आउ राहुंकर आराध्य देवी होचंती माँ दुर्गा बा माँ सरस्वती दस महाविद्यारे दस महाविद्या अनुसार राहुंकर इष्टदेवी होउछंती मा छिन्नमस्ता तेणु जदि आपण मानकर जन्मजातक हो गोचर फल राहुंक जगु जदि विभिन्न प्रकार क्षय क्षति होउछि ताहले आपण केउं उपाय अवलंबन करिवे मने रखंतु सर्वदा शुद्ध निरामिष भोजन ग्रहण करिवे आउ कौन करिवे ना प्रतिदिन सकाळु मीठा रुटी काऊ एवं कुकुर को खाइबा को देबे आउ कौन करिवे ना ब्राह्मण मान को जेउंती देखिवे तांको पाद धूलि नै मस्तिष्क रे मुंडरे मारिवे ब्राह्मण कर सेवा करिवे हला आउ गरीब लोक अकर्मण्य लोक एवं कुष्ठ रोगी भिक्षुक लोक एमान को कौन करिवे ना मांस अन्न खाइबा को देबे ता सहित कुकुर मानक मांस खाया को देले राहु ग्रह को कुप्रभाव रु मुक्ति मिलिबो आउ कौन करिवे ना गोटे गरीब लोक आज्ञा बहुत झियो धर तीन चार झियो गरीब लोकटी से झियोटी बाहाघर करि पड़े आपण कौन करिवे से झियो बाहाघर रे किसी पैसा पत्र खर्च करिवे से गरीब झियोटीर बिवाहर आयोजन करिवे एमती कले राहु आपण को जन्मजातक रे शुभ फल देवे आउ कौन करिवे ना प्रतिदिन चंदन मस्तक रे लगे चंदन आज्ञा दुई प्रकार गोटे रक्त चंदन गोटे श्वेत चंदन माने जोटा धला चंदन जोटा ताकू कौन करिवे ना प्रतिदिन घोरिकी मस्तक रे लगे कोईलार रंग हला कोला कोईला किछि नै कि जो स्रोत जो नदी स्रोत हौ बा नाळ स्रोत हौ प्रवाहित पानी होतिबो से पानी रे भसई देबे आउ कौन करिवे ना गोटे अर्धचंद्र गोटे ओलोटा अर्धचंद्र रूपारे तयारी करी निज पाखरे सर्वदा रखिबे ज्योतिषंग परामर्श नहीं जदि आपणकर जन्मजातक लग्नर भाव को विचार करी जदि आपणकर राहु ग्रह शुभ स्थित थांती ताहले आपण गुबेर रत्न पिंधिले शुभ स्थित थांती मुख्य कथा कौन ना ज्योतिषंग परामर्श नहीं गोमेद रत्न व्यवहार करिवे कौंटी ना मध्यमांगुली आउ कौन करिवे माँ दुर्गा माँ सरस्वती माँ छिन्नमस्ता आराधना करिवे ता सहित गोटे राहुंकर मंत्र कहुची से मंत्र को सर्वनिम्न 27 थर हौ बा 54 थर हौ बा 108 थर हौ जप करिवे ओम घ्रां घीं घों स राहवे नमः मने रखंतु ओम घ्रां घीं घों स राहवे नमः एमती एमती उपाय मान अवलंबन कले निश्चिंत भाव राहु ग्रह आपण को शुभ फल देवे आउ देखिबे कौन ना जदि राहु निहाती आपण को अशुभत्व प्रदान करुछंती विभिन्न प्रकार राहु को जो आपण क्षय क्षतिर सम्मुखीन होउछंती अभाव असुविधार सम्मुखीन होउछंती ताले कौन करिबे ना सर्वदा ज्योतिर्विद को परामर्श नेबे बुधवार दिन किंबा शनिवार दिन आपणकर ग्रामदेवी हंतु बा दुर्गा मंदिर हंतु सेठी कौन करिबे ना दुर्गा सहस्त्र नाम पाठ आउ होम ब्राह्मण को द्वारा करिबे आउ कौन करिबे ना से होम रे दुब व्यवहार करिबे माने होम रे दुब पोड़ा जाय बा होम कुंड रे दुब पड़िबे
एमती करिवे आउ कोन करिवे ना सही दिन सही पूजा रे कोला वस्त्र लोह खड्ग बा लोहार छुरी बा लोहार अस्त्र ज्योति संगु दान करिवे आहुरी जदि आपन को अधिक राहु खराब फल दउचंदी तबे छिन्नमस्ता चंडी पाठ मध्य करि पारंदी किंतु आज्ञा चंडी पाठ करिबा टिके व्यय बहुल देखिबे आपन को अभाव असुविधा को लक्ष्य रखिकि आपन एई सब उपाय अवलंबन करिबे यापर जानवा जे केतु ग्रह जो राशि व्यक्ति विशेष मानक अशुभ फल प्रदान करपाई कौन उपाय सब अवलंबन करेंगे केतुंर प्रिय रंग हूँ धूम्र रंग बांशिया रंग आतुंर इष्टदेव हूँ गणेश श्री गणेश दश महाविद्या अनुसार केतुंर इष्टदेवी आराध्य देवी हूँ माँ धूमावती तेणु आपण कौन करेंगे सेमती शुद्ध निरामिष भोजन ग्रहण करूँ ब्राह्मण और गरीब लोक को नानाविध समस्त द्रव्य मिश्रित अन्न खावाक दिंतु आउ कौन करिवे ना वयोज्येष्ठ व्यक्ति सेवा करंतु तांको पाद छुई आशीर्वाद भिक्षा करंतु ताहा प्रति कटु वाक्य बा कटु शब्द प्रयोग करंतु नहीं चरित्रवान हुवंतु पाप एवं अनैतिक कार्य दूरे रुहंतु जुआ खेल मदमांस एसबुर दूरे रुहंतु सर्वदा बाप मांकर आदेश को पालन करंतु एवं जुआडे आपण जाउचंती पितामातांक पाद धूलि जदि मस्तक लगे जीवे को ग्रह कहीं किसी क्षति आपणे ना कथार अच्छी पितृमातृ कल्याण से पुत्र एवं पुत्री हमें सुखी गला आउ कौन करिवे ना ज्योतिष परामर्श नहीं क्याट साई बा वैदुर्य मणि बोली कहते से ग्रह रत्न पथर भी धारण कर आउ कौन करिवे ना श्री गणेशंकर पूजा करंतु श्री गणेशंकर आराधना करंतु माँ धूमावती को पूजा करंतु केतुंर गोटे मंत्र कहूँ से मंत्र को सेमती सतैस थर हौ बा चौवन थर हौ बा शहे आठ थर हौ ताकु आपण जप करिवे कौन से मंत्री ओं स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स केतवे नमः ओं स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स केतवे नमः राहु एवं केतु द्वारा जदि आपण माने क्षय क्षतिर सम्मुखीन होउचंती तबे सेथिपाई एही सब उपाय माने जदि आपण अवलंबन करिवे तबे निश्चिंत अशुभ परिवर्तन आपण शुभ फल पाइबे शेषक आउ थरे कहूँ जे राहु कर्कट राशि सिंह राशि धनु राशि और मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभ फल प्रदान करिवे एवं मिथुन राशि तुला राशि और कुंभ राशि अशुभ फल प्रदान करिवे किए ना राहु आउ जो राशि रहिले मेष वृष कन्या बिछा और मकर राशि राहु शुभा शुभ मिश्रित फल प्रदान करिवे ठीक से हीपरी केतु मिथुन राशि कन्या राशि मकर राशि और कुंभ राशि शुभ फल प्रदान करिवे अशुभ फल प्रदान करिवे मेष वृष कर्कट सिंह बिछा धनु और मीन राशि शुभा शुभ मिश्रित फल प्रदान करिवे तेणु दर्शक बंधु एथिरे आपण कौनसी व्यस्त ब्रत न होई जो उपाय मान कहली से उपाय मान जब अवलंबन करेंगे तेज निश्चिंत आपण शुभ फल पाइबे यह हूँ केवल गोटे गोचर फल अर्थ हूँ कौन ना ग्रह मान तत्कालिक संचार और ज्योतिष गणना अनुसार ग्रहंकर भिन्न भिन्न अवस्थिति जनित मनुष्य जीवन में भिन्न भिन्न फल घटा अवस्था को गोचर फल कहुए ग्रह चलन फलाफल केवल जन्म राशि हिसाब से कह जाए किंतु प्रकृत रे आपण लग्न तथा दशा फल हिसाब से जो फलाफल निर्णय करा जाए ताहा आपण अधिक शुभ बा अधिक अशुभ हो पारे तेणु यह केवल एक संकेत भाव में ग्रहण करने को अनुरोध तेबे आज एति पुणी एक नूतन अध्याय नई खूब शीघ्र आपण मान निकट को आसवर प्रतिश्रुति विदाय नौ नमस्कार जय जगन्नाथ।